फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विजेंद्र। मैं हूं सुनील। तो दोस्तों, जिसका हमें काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, तो उस सॉन्ग का अभी तो टीज़र ही आया है। और ये सॉन्ग है आशिकी में तेरी 2.0। और ये हैप्पी हार्डी एंड हीर इस मूवी में ये गाना लाया गया है, और हिमेश रेशमिया जी का सॉन्ग है। और काफी दिनों बाद हिमेश जी हमें बॉलीवुड में दोबारा से एंट्री करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि बीच में तो हिमेश रेशमिया जी गायब हो गए थे, पता नहीं कहाँ चले गए थे, ना हमें उनके गाने सुनाई दे रहे थे, ना उनके म्यूजिक और ना ही उनकी एक्टिंग देखने को मिल रही थी। और इनका ये पुराना गाना जैसे आशिकी में तेरी बहुत फेमस हुआ था, बहुत ही चलते थे। और शायद मेरे को तो लग रहा है, देखो आशिकी में तेरी शायद कुछ लिरिक्स डिफरेंट हो, बाकी देखते हैं अभी कि एक्चुअल में क्या है इसमें। तो इसमें रानू मंडल है, उन्होंने भी गाया हुआ है, तो देखते हैं। अभी टीजर है, देखते हैं इस टीजर को। आशिकी में तेरी स्टार्टिंग। ये भाई म्यूजिक वही है बिल्कुल। ओहो जी, कल आ रहा भाई गाना। भाई गाना कल आ रहा है। तो और इस बार थोड़ा सा, पिछली बार तो सिर्फ हिमेश जी गा रहे थे, और इस बार सिर्फ और सिर्फ हिमेश जी नहीं है, रानू मंडल भी हैं साथ में, और थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन दिखने वाला है। बाकी लिरिक्स तो मुझे वही लग रहे हैं। गाना ये बहुत ही फेमस था भाई, इतना चला था ये, मतलब हर गाड़ी में हर जगह पे यही गाना बजता था। और ये गाना दोबारा बजेगा भाई, जिस हिसाब से काफी टाइम हो गया ना उस गाने को सुने हुए दोबारा से। अभी ये 2.0 है, 2.0 टीजर, ये सेकंड वर्जन लग रहा है मुझे, तो वो चीज़ है। तो ये दोबारा बजने वाला है, और ये मान लो ये गाना बहुत चलने वाला है फिर से आशिकों के लिए, एक नया गाना विदाउट और चेंज किए हुए। और हिमेश जी का एक टाइम था जब, मतलब वो इनके गाने आए थे भाई, ये जब उनकी एल्बम आई थी ये सबसे और ज्यादा चला हुआ गाना आशिक बनाया आपने भाई, था वो गाना, वो गाना हर किसी को याद, हर किसी ने देखना चाहा उस गाने को। और मतलब इन्होंने इतने अच्छे अच्छे गाने लिखे उस गाने के बाद, तो ये मतलब इन्होंने तेरे नाम में भी म्यूजिक दिया हुआ है, तो इनका गाना मतलब वो भी तेरा सुरूर बहुत चला था, वो झलक दिखला जा, इतने अच्छे अच्छे गाने थे उस टाइम पे। और इनके जो था एक मतलब अलग ही, इनकी जो टोन होती है, उनका कईयों ने मजाक भी उड़ाया, पर वो टोन इनके हिसाब से ठीक थी, कईयों मतलब काफी लोग इनके फैन हुए उसी टोन से। मेन चीज एक डिफरेंट, कहते एक डिफरेंट आवाज निकल के आई थी, और सब कुछ बिल्कुल चेंज कर देना, पूरी इंडस्ट्री एक बार चेंज हो गई थी, सब कुछ इनके गाने ही चल रहे थे, यानी जहाँ पे सुनो इनके गाने सुनने को मिल रहे थे, चाहे डीजे पे देख लो, कार्डियो में देख लो, चाहे किसी घर में कैसेटों में देख लो, इनके ही गाने बजते दिखते थे। और हमारे हिसाब से तो ये एक हर एक आवाज का एक टाइम होता है, जैसे आप किसी भी सिंगर को ले लो, सोनू निगम जी को ले लो, उनका एक टाइम था, अपने जो भी नए सिंगर आए हैं ये आतिफ असलम, इनका भी एक टाइम था, तो हर सिंगर्स का एक टाइम होता है। और एक चीज क्या होता है, जब आप यूथ आइकन के लिए गाना गाते हो ना, यूथ के लिए, तो वो गाने ऑटोमेटिकली चलते ही चलते हैं। तो ये छोटा सा टीजर था, इस पे जाओ तो कुछ अभी पता नहीं लगा, पर हमें पता लग गया, अभी गाना वही है हमारा पुराना वाला फेमस। हाँ, और म्यूजिक यार, म्यूजिक बिल्कुल सेम है, वैसे ही रिदम और वैसे ही बीट्स उठ रही हैं, तो ऑटोमेटिकली। और रानू मंडल जी की भी आवाज है, तो देखते हैं फुल सॉन्ग में क्या होता है कल। तो ये था आशिकी में तेरी का टीजर, हमें तो ये गाने का इंतजार है, आपको क्या इंतजार है कि नहीं है ये हमें बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के। और साथ के साथ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन का बटन भी दबा दो, ताकि आपको हमारी चैनल की सारी वीडियो मिल सके टाइम टू टाइम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।